हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और वेलकम बैक टू आवर चैनल वंदना सेट ब्लॉग। आज है हमारा मुंबई में, कौन सा दिन है आज? थर्ड आज हमारा तीसरा दिन है मुंबई में। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हम सारे डे। मुझे सेलिब्रिटीज बहुत के घर बुरा गए। लग रहा है। और वंदना को पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है। परसों हमें घर निकलना है। परसों हमें अपने घर निकलना है, तो मेरा मैं चैनल दिखाता भी हूँ। बुरा वंदना भी तैयार हो रही है। और भाई बताओ, एक टी शर्ट कैसी लग रही है? अच्छी, कूल। मेरे जाने का बिल्कुल मन नहीं। और मैं आपको दिखा दूँ, आज भी मौसम कुछ बाहर का ऐसा है। वे कुछ इस तरह का नज़ारा बाहर, देखिए क्या व्यू है। और मौसम ऐसी, बारिश होने वाली है अभी भी। और आज भी गणेश विसर्जन हो रहे हैं मुंबई में। वंदना देखिए, यहाँ भी इसने वीडियोस बनाना देखिए छोड़ा नहीं इतने। अपनी ये मैं अपने शॉर्ट्स के लिए बनवाती हूँ वीडियो। शॉर्ट्स है इसकी वीडियोस। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, क्योंकि मैं कल परसों घर जाना है इसलिए। इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको परसों घर जाना है। और ये अपनी शॉर्ट्स वीडियो बनाती। चैनल का नाम तो बता दो अपनी। मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच पे इनको भैया फॉलो करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हाउ इज माय ड्रेस? ये इनका ड्रेस सेटअप ये कैसा है? किसने बनाया है? ये सूट इसी ने डिजाइन किया और बनाया है। मैंने ही बनाया है। पूरा गेटअप दिखाइयो, पीछे आओ। आज भी ये देखिए, मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने शादी के बाद ब्लैक सूट पहना है। हाँ, शादी के बाद ये ब्लैक सूट पहना है। पहला मेरा ब्लैक सूट है 3 साल में। पहली बार मैं काला सूट पहना है मैंने। भी हम लोग जा रहे हैं लोनावला ना, लोनावला। लोनावला हाँ, तो मुंबई टू लोनावला जा रहे हैं। वहाँ पर भी एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं वहाँ पर भी क्या क्या चीज़। हम भैया जाते हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, और क्या चीज़ एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पर आपको दिखाएंगे, आपका शेयर करेंगे। और उसके बाद आगे और भी प्लान है हमारा जाने का लोनावला से आगे। वो भी लिखते हैं, वो वाले नेक्स्ट ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा। चलिए बने रहिए, अभी हमारी गाड़ी आने वाली है, उसके बाद हम जाते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको। तो अब हम निकल रहे हैं लोनावला के लिए। और अभी जो भैया आए थे रूम की क्लीनिंग करने, उन्होंने बताया कि वहाँ का जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और हम ऐसे कोई खास कपड़े लेकर नहीं आए। अभी देखते हैं वहाँ जाकर हमें करना क्या है। तो वैसे जो एग्जैक्टली हमने आने से पहले जो प्लान बनाया था ना, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हमने सोचा था, 23 को निकलेंगे एंड 24 को यहाँ घूमते हैं, 25 को बर्थडे एंड जो एनिवर्सरी उसको सेलिब्रेट करेंगे, 26 को निकलेंगे लोनावला, फिर वहाँ से आएंगे हम कल 27 को वापस। देन इसके बाद हम जाएंगे हाजी अली एंड सिद्धि विनायक और महालक्ष्मी मंदिर। कोशिश करेंगे कि तीनों जगह हो लें अगर यहाँ आए हैं मुंबई में, क्योंकि हम गए भी नहीं हैं यहाँ पे, और मैं तो फर्स्ट टाइम ही जाऊँगी। और उसके बाद हमारी 28 को फ्लाइट है, तो कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा 2-4 घंटे पहले ही निकल जाए, क्योंकि विसर्जन का जो लास्ट दिन है, गणेश चतुर्थी जो विसर्जन है उसका लास्ट दिन है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहने वाला है। तो हम यही चाहते हैं कि टाइम से अपने पहुँच जाए, थोड़ा पहले पहुँच जाए तो कोई नहीं, लाउंज में हम लोग वहाँ आराम कर लेंगे कुछ देर। और शॉपिंग कुछ खास हमने करी नहीं है, अभी देखते हैं क्या करना है। बाकी सब अपना सामान है, सब पैक करके जा रहे हैं। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। निकल चुके हैं लोनावला। लोनावला ना अपना लोनावला। ये है हाईवे जो जाता है लोनावला के लिए और पनवेल के लिए और स्टेशन के लिए। और सामने आप पहाड़ देख सकते हैं, कितने प्यारे पहाड़ हैं। और ये देखिए लोनावला, अब यहाँ से देखिए आप पहाड़ शुरू हो जाएंगे लोनावला के लिए और खंडाला के लिए। आप देख सकते हो, ये देखिए कितनी अच्छी टनल है ये। क्या
क्या प्यारा व्यू है यहाँ का। आप टनल देख सकते हो, कितनी प्यारी कितनी सुंदर टनल बनाई गई है। अब ये नहीं पता कितने किलोमीटर की, लेकिन हाँ मुझे तो लगती है कि 1-2 किलोमीटर की टनल होगी और अच्छी टनल है और लाइटनिंग भी अच्छी करेगी इसकी। जिस तरह हम ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं और वहाँ से व्यू देखिए अब अच्छा होता जा रहा है पहाड़ों का। अब ये देखिए कितना अच्छा हाईवे बनाया पहाड़ों की तरफ। ये देखिए खूबसूरत पहाड़ और अच्छी वादियाँ, और ऐसा नहीं कि यहाँ पर ठंडी हवा भी चल रही है, हल्की सी ठंड भी रहती है यहाँ पर। तो ये है लोनावला का मौसम। वैसे मौसम यहाँ हमेशा ही अच्छा रहता है, इसीलिए लोनावला आना लोग और पसंद करते हैं। तो मुंबई से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है ये, तकरीबन 60-70 किलोमीटर ही दूर होगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक और नॉर्मल जो हमारी सिटीज़ होती है उसके ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये देखिए इस तरीके के पहाड़ हैं, उनमें से बीच में से रास्ता, और यहाँ आपको पानी पानी भी मिलेगा पहाड़ों से टपकता हुआ। बाकी देखिए इस तरीके की ऊंची ऊंची सी हिल्स बनाई हुई हैं जहाँ आप बहुत ही अच्छे अच्छे से फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। और जिन लोगों को नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है या फिर जो नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचर ब्यूटी होती है, उसको देखने का शौक़ है, तो वो लोग यहाँ ज़रूर आए। एक अलग सा ही सुकून यहाँ पर मिलता है। ये देखिए बहुत सारे मंकी भी हैं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ खिला दें मंकियों को तो ज़्यादा सही है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इस जगह ज़्यादा मंकी थे इसलिए हम लोग नहीं उतरे, बाकी दूसरी जगह मैं दिखा देती हूँ। कई तरीके की इस तरीके के एरिया रास्ते में आपको पड़ेंगे जहाँ आप रुक सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। और पूरा रास्ता ये देखिए पहाड़ों में से ही बना हुआ है, एकदम हरे भरे पहाड़ हैं, एकदम सूखे पहाड़ नहीं हैं। और ये देखिए यहाँ पर रिजॉर्ट वगैरह भी हैं, खाने पीने की भी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो हम आगे खाने पीने मतलब खाने वाले हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ हम लोग रुके थे। और ये देखिए पूरा जो सिटी है कुछ इस तरीके का लगता है जब हम ऊपर पहाड़ों पे पहुँच कर देखते हैं। तो ये देखिए मैं भी यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ऊपर से इस तरीके की जो जगह होती है वहाँ आने का मौका हमें बार बार नहीं मिलता है। यहाँ देखिए गाड़ी से भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और उतर के तो ओहो क्या कह ही सकते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो शाम के टाइम में आप जा रहे हैं तो कुछ हल्का फुल्का शॉल स्टॉल स्कार्फ वगैरह अपने साथ कैरी करें, अदरवाइज़ आप अगर नॉर्मल जहाँ वेदर रहता है वहाँ से रहने वाले हैं तो आपको ठंड लगने वाली है। अभी मैंने आपको दिखाया ही सामने एक झरना था वो हमारा चल ही रहा था। ये देखिए इस तरीके के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सो अभी हम आ गए, मैंने आपको बताया था कि आके हम खाने वाले भी हैं। तो ये लोनावला का बहुत ज़्यादा फेमस है, वेज एंड नॉन वेज दोनों यहाँ पर मिलता है। तो मैं नाम अभी ऐसे भूल गई हूँ, लेकिन है ना मैं वीडियो में मेंशन कर दे रही हूँ उसमें, ताकि आप देख लें कि हम लोग कहाँ हैं। पूरा एक राजस्थानी जो लुक होता है उसमें इसको बनाया गया है, जो उसका पूरा इंटीरियर है उसी डिज़ाइन में इसको बनाया गया है। और बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। ये देखिए लाफिंग बुद्धा जैसे आप एंट्री करेंगे, और अगर आप ज़मीन पर बैठ के खाना पसंद करते हैं, चेयर पर खाना पसंद करते हैं, या कोई जैसे पहले तख्त वगैरह चलते थे उस पर बैठकर खाना पसंद करते हैं, चौकी पर बैठना खाना पसंद करते हैं, तो आपको सारी सुविधाएँ ना यहाँ पर मिल जाएंगी। अलग अलग तरीके का बनाया हुआ और इंटीरियर आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। थोड़ा कॉस्टली है, बट लोनावला का सबसे अच्छा खाना यहाँ पर ही मिलता है। और ये देखिए यहाँ पे आपको गणेश जी मिल जाएंगे, बहुत ही अलग तरीके के खड़े वाली पोजीशन में खड़े हुए हैं, और वो भी वुडन के बने हुए हैं। इसके बाद पुरानी तरीके की जो भी चीज़ें होती थी शायद आपने बहुत टाइम पहले देखी हो, या बहुत से लोगों ने ये चीज़ें देखी भी ना हो, बट मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक चूल्हा पालना जो होता है वो मिल जाएगा,
देखने के लिए आपको, उसके बाद मैं अंदर आपको दिखाती जा रही हूँ कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर यही सब चीज़ हम काफ़ी टाइम बाद देखते हैं ना, तो हमें इतनी ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है ऐसी चीज़ों को देख के। पता नहीं आजकल कहाँ ये सारी चीज़ें खो गई हैं, मॉडर्न ज़माने में सब कुछ ख़त्म सा हुआ जा रहा है जो पुरानी चीज़ें थी। इसके बाद मैं यहाँ झूले पर बैठी, क्योंकि मुझे इस तरीके के झूले पर बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। चुका है खाना पीना और लंच हो चुका है, हम लोग निकल रहे हैं अब आगे पुणे के लिए। हम निकल रहे हैं, ये लायन हिल है, जो लायन हिल पॉइंट बोलते हैं उसको, वो लोनावला में है। तो आप ये व्यू देख सकते हैं, लायन हिल ब्रिज नाम से कुछ ऐसा बोला जाता है उसको। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, आपको व्यू दिखाते हैं वहाँ का। देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, और देखिए मौसम कितना अच्छा है ऊपर। अभी हम उसके ऊपर जाएंगे पहाड़ों में। फ़िलहाल मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था और अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। ऊपर जाके आपको दिखाते हैं व्यू, देखिए कितना अच्छा है। अब पहाड़ों के ऊपर चलते जा रहे थे। ये एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ का, लोनावला का। अब ये देखिए यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत नज़ारा है। और पूछ पे ऐसे वो दिखा दो आए हैं कहाँ पर है पीछे देख सकते हैं आप। जितनी आगे बढ़ते जाएंगे व्यूज़ उतने अच्छे दिखेंगे आपको। अब देखिए आप यहाँ से व्यू, कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर। यहाँ शाम को सब आते हैं और अपनी पार्टी करते हैं यहाँ पर। और ये देखिए कितनी अच्छा लग रहा है यहाँ से, कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए कितना खूबसूरत, और ये देखिए वाटरफॉल इस तरह से है लोनावला का। ये टाइगर या लाइन हिल, आई डोंट नो, मतलब लाइन हिल बोलते हैं उसको। ये देखिए कितने सारे बंदर यहाँ पर हैं। लाइन हिल जो कि बहुत पीछे आप देख सकते हो, कितना चढ़ना पड़ा, सांस से ऊपर आ गई चढ़ते चढ़ते। चलिए दिखाते हैं आपको। ये ऊपर का व्यू है जहाँ आपको मैगी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, भुट्टे सब खाने को मिल जाएगा यहाँ पर। आप देख सकते हो, ये देखिए भुट्टे का स्टॉल लगा हुआ है। ये देखिए काका भुट्टा लगा के बेच रहे हैं यहाँ पर। और देखिए कितना ठंडा मौसम है यहाँ का, और लोग सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। व्यू देखिए, मौसम जितनी शाम होती जा रही है उतना ठंडा होता जा रहा है ना। फ़िलहाल अंधेरा होने से पहले हम लोग नीचे उतरने लगे थे, और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का भी। नीचे उतरते समय हमें समय नहीं लगा, मात्र 15 मिनट में हम नीचे आ गए थे, और ऊपर चढ़ने में बहुत समय लग गया था हमें। फिलहाल आ गए मैप्रो। मैप्रो जो है प्रोडक्ट बनाता है, और किस चीज़ का बनाता है, क्रश है ना, जैम क्रश। फिर हमने करी ऑर्डर स्ट्रॉबेरी शेक, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ का मैप्रो गार्डन का। और आप देख सकते हो यहाँ से स्कैन करके भी आप कर सकते हो। ये देखिए हमारा शेक आ गया है, जिसके ऊपर क्रीम और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, और नीचे आइसक्रीम मिलेगी स्ट्रॉबेरी। तो ये कम से कम पड़ता है 800 रुपए का एक शेक। देखिए बिल्कुल इनके गार्डन में फ्रेश स्ट्रॉबेरी पैदा करी जाती है। और ये देखिए क्रीम कितनी अच्छी लग रही देखने में। फिर हम निकल लिए अपने होटल के लिए। ये देखिए आई लव लोनावला। तो कैसा लगा ये ट्रिप, मुंबई टू लोनावला? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो हम लोग दिखाते रहें।
तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।